हिमाचल प्रदेश में सरकार जल्द ही गौरी नाम से बाजार में पहाड़ी गाय का दूध लॉन्च करने जा रही है। ये दूध शुद्ध और पहाड़ी गाय का होने के साथ गुणवत्तापूर्ण होगा। इससे हिमाचल के दुग्ध उत्पादकों को भी दूध के सही दाम मिलेंगे। इस बात की जानकारी पशुपाल एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने रामपुर में एक बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को मिलावटी दूध से भी निजात मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही सरकार गौरी नाम से बाजार में पहाड़ी गाय का दूध लॉन्च करने जा रही है। इससे दुग्ध उत्पादकों को भी दूध के उचित दाम मिलेंगे और गाय का महत्व भी बढ़ेगा। इस बात की जानकारी पशुपालन एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किन्नौर जाते हुए रामपुर में एक बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ गाय पालन लाभकारी हो, इस दिशा में हिमाचल सरकार तेजी से कार्य कर रही है। कंवर ने बताया कि पहाड़ी गाय के दूध को गौरी नाम से ब्रांडेड किया जा रहा है। जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम कर मुख्यमंत्री इसे लॉन्च करेंगे। उन्होंने बताया कि इससे लोगों को मिलावटी दूध से भी निजात मिलेगी और हिमाचल आने वाले लोगों को शुद्ध पहाड़ी गाय का दूध मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक परियोजना केंद्र सरकार को भेजी गई है और गौरी नाम से ही हिमाचल में पहाड़ी गाय को पहचान दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कंवर ने बताया कि गाय बछड़ा पैदा ना करे, इसके लिए हिमाचल में सीमन लैब स्थापित किया जा रहा है। इसकी स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने पहली किश्त भी जारी कर दी है। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश में हर जिले में काऊ सेंचुरी स्थापित की जा रही है, इसके लिए 12 करोड़ की राशि भी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पहली काऊ सेंचुरी का मुख्यमंत्री इस माह के अंत तक लोकार्पण करेंगे। गौ सेंचुरीज बना रहे हैं, गौ अभ्यारण बना रहे हैं और जिसका एक शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री ने कोटला ग्रुप से की है। ऐसे ही हम हर जिला के अंदर जो है वो आज काम चला हुआ 12 करोड़ रुपया जो है वो हमने जारी किया है और आज इस महीने के अंत तक जो है वो पहला जो गौ सेंचुरी है जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करेंगे और दूसरा जो बैल हैं इनकी संख्या को कंट्रोल करने के लिए हमने जो है वो सेक्स सॉर्टेड सीमन हम लैब जो है वो हिमाचल में स्थापित कर रहे हैं और वो पैसा जो है वो केंद्र से हमको स्वीकृत हो गया है। पहली किस्त जो है वो आ चुकी है, जल्दी ही इसके ऊपर जो है वो सरकार निर्णय ले रही है। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट।